योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश दिया है। इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। एनजीओ सिविल राइट्स ने याचिका दाखिल कर आदेश को रद्द करने की मांग उठाई है। ये पूरा मामला क्या है, याचिका में क्या कुछ कहा गया है और क्यों योगी सरकार के इस आदेश को रद्द करने की मांग उठाई है याचिका के जरिए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नजर से नफरती चश्मा उतरता ही नहीं। हर मामले को धार्मिक चश्मे से देखना इनकी आदत बन गई है। ऐसा ही हाल कुछ सीएम योगी के उस आदेश के बाद देखने को मिल रहा है जो पहचान बताने के लिए जारी किया गया। नाम बताने का आदेश क्या जारी हुआ, ऐसा लग रहा है विपक्ष बौखला गया है। इसे धर्म और राजनीति से जोड़कर रोटियां सेकने का काम कर रहा है। नाम को लेकर शुरू विवाद पर सियासत इस हद तक दिखाई दे रही है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। एनजीओ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई है। दो सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसएन भट्टी शामिल है। सिविल राइट्स की अर्जी में फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। पक्ष हो या विपक्ष, सुप्रीम सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को एक एक कर सभी जिले लागू करते जा रहे हैं, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में राजनीति अपने चरम पर है। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। कोई मुसलमान दुकान न लगाए, मंशा यही था और यही है, तो इसलिए हम लोगों ने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से एक हस्तक्षेप करे। कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास अख्तियार है। ये इस तरह से ऑर्डर निकाल कर आर्टिकल 17 का वायलेशन है, संविधान का अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है। तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्टाइड है ये। तो आपने आदेश जारी कर दिया, नेम प्लेट लगाना होगा, तो मुसलमानों के खिलाफ जो दुर्भावना है वो भी है, इसके साथ साथ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इन सब की भी जो दुकानें हैं वहां से भी उनका भी धंधा बंद करने की कोशिश है। कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटो ढाबा लिख लेगा, उसके यहाँ से कोई खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो भेदभाव को मानने वाले लोग हैं। विपक्षियों की सियासत के बीच एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि इसमें परेशानी क्या है, नाम ही तो पूछा जा रहा है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो दुकान किसकी है, ताकि उस रूट पर कांवड़ियों की पवित्रता भंग ना हो, किसी से उनकी धार्मिक भावना को चोट ना पहुंचे। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। ये नियम बहुत जरूरी है। कांवड़िया जो लोग हैं उनके व्रत का, उनके नियम का पालन रहे, उनके आहार का शुद्धिकरण। वेद कहते हैं आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध होगा तो पूजा लगेगी, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है, आप भारत में राजनीति कर रहे हैं, आप हिंदुओं के खिलाफ मत बोलिए। आप पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें कानूनियों से दिक्कत है, इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। यूपी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष जमकर सियासत कर रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, जबकि यह कोई पहली बार नहीं जब योगी सरकार ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया हो, लेकिन इस बार उपचुनाव को देखते हुए विपक्ष इसे हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहा है। यूपी में माहौल को बिगाड़ने पर तुला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आपको बता दें, योगी सरकार का नेम प्लेट वाला जो आदेश है, इसे उपचुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव का भी काउंटडाउन शुरू हो रहा है। और ऐसे में ये जो फैसला है वो योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हालांकि विरोधी बहुत नाराज हैं, क्योंकि बीजेपी की ये हिंदुत्व वाली लाइन को भी सूट करता है। और ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये फैसला गेम चेंजर साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के तारीखों का काउंटडाउन चल रहा है। इस बीच योगी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक मार दिया जिससे विपक्ष चारों खाने चित होता दिख रहा है। कावड़ यात्रा के रूट की दुकानों पर नामकरण का फैसला उपचुनाव से पहले गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर बीजेपी की हिंदुत्व वाली लाइन को सूट करता है। तभी तो विरोधियों की नाराजगी के बावजूद लोग योगी के फैसले के साथ खड़े हैं। भारत की ऋषि परंपरा कभी अपने लिए नहीं जी, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए। इसी परंपरा हमें जाति भेद में नहीं बांटती, छुआछूत और अस्पृश्यता का भेदभाव हमारे बीच में नहीं करती है, और इसी परंपरा हम सबको लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित करती है। हमारे जीवन का एक एक पल सनातन धर्म के लिए और अपने देश के लिए, भारत के लिए समर्पित होना चाहिए। यूपी में जल्द ही 10 सीटों पर उपचुनाव है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद अब वो पुराने कलेवर में लौट रही है, क्योंकि लोकसभा में एनडी गठबंधन का जाति कार्ड भारी पड़ा। ऐसे में दलित और पिछड़ा वोट बैंक को फिर से बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है। कावड़ियों में इनकी संख्या भी ज्यादा होती है। वैसे इसका सियासी पहलू देखें तो उपचुनाव वाली 10 में से 5 विधानसभा सीटें कावड़ यात्रा के रूट पर हैं। इनमें मीरापुर, कुंदर की खैर, गाजियाबाद, करहल शामिल है। तो क्या योगी का यह फैसला परिणाम बदल देगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन योगी सरकार ने हाल ही में अकबर नगर को सौमित्र वन बना दिया है, पंत नगर में बुलडोजर एक्शन रोक दिया और अब कावड़ रोड पर दुकानों के आगे नाम के तख्ते टांगने का फरमान सुनाया। उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणी होगा। बीजेपी के खिलाफ सपा कांग्रेस साथ होंगे, लेकिन मायावती भी ताल ठोक रही है। इसलिए योगी हार्ड हिंदुत्व की राजनीति पर फोकस करेंगे। मुस्लिम, दलित और पिछड़े वोटर्स का विपक्ष में बंटवारा हो सकता है, जिसका सीधा फायदा क्या बीजेपी को होगा? तो क्या कांवड़ियों की आस्था के लिए हुआ फैसला उपचुनाव में बीजेपी की बम बम कर देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आज से बजट सेशन की शुरुआत होने जा रही है और हंगामेदार हो सकता है बजट सेशन, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में जिस तरीके का रुख विपक्ष का देखने को मिला उसे साफ है कि पूरा जो सेशन है वो हंगामेदार रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है, हंगामेदार बजट सत्र के संकेत मिल गए हैं। सदन में सुनाई देगी नाम विवाद मामले की गूंज भी। कांग्रेस डेप्यूटी स्पीकर पद का की मांग कर रही है, उसको लेकर भी जो सदन में गूंज है वो सुनाई दे सकती है। तो आज से सेशन की हो रही है शुरुआत। तो आपको बता दें, आज से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। आप सभी को इंतजार होगा कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे से निकलेगा क्या। लेकिन सर्वदलीय बैठक में जो ट्रेलर दिखा उससे यह तो तय है कि यह सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। शुरुआत हो रही है, 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट सत्र में जोरदार हंगामे होने के आसार विपक्ष के देवर आज सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। संसद के मॉनसून सत्र और बजट से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय की बैठक में 44 दल शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र अच्छे से चलने की उम्मीद जताई, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सवाल उठाए।